मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 33 जो इंडिजेंट पर्सन या निर्धन व्यक्ति के संबंध में है इस बारे में इस वीडियो में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। इसके पहले मेरा अनुरोध है कि यदि चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब चैनल को कर लें। चैनल से जुड़े रहिए, इसमें देश के विभिन्न कानूनों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं आपको बतला रहा हूँ और आपकी कानूनी जानकारी बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक और अनुरोध है, मेरी धर्म पत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल है अर्चनाज आरटी आपके रूप में, वो फैशन डिजाइनर इंटीरियर डेकोरेटर है, आप उसके चैनल को भी कृपया सब्सक्राइब करें। अब मैं वीडियो के विषय पर आता हूँ। पॉपर या इंडिजेंट पर्सन कौन होता है? कोई भी दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले जो व्यक्ति अपने आप को निर्धन व्यक्ति कहता है उसे न्यायालय के समक्ष एक आवेदन इस आशय का देना होगा कि वो वास्तव में निर्धन है और कोर्ट इससे सेटिस्फाई यदि हो जाती है तो वो निर्धन व्यक्ति के रूप में या पॉपर पर्सन के रूप में उसे दावा चलाने की अनुमति दे देती है। तो निर्धन का अर्थ यह है कि जिसकी हालत माली हालत या वो पैसे से इतना कमजोर है कि वो दावे की कोर्ट फीस भी न्यायालय के समक्ष जो कोर्ट फीस लगाने के बाद ही दावा लगाया जाता है देने में अक्षम है या सक्षम नहीं है, कोर्ट फीस नहीं दे सकता है। पैसे से इतना कमजोर है, जिसकी प्रॉपर्टी 1000 रुपए की प्रॉपर्टी तक के लिए वो एंटाइटल नहीं है, या धारा 60 जो CPC में ये दिया गया है कौन कौन सी प्रॉपर्टियां अटैच नहीं की जाएंगी, इन प्रॉपर्टीज में सेक्शन 60 में एक्सक्लूड किया गया है, अटैचमेंट से एग्जम्प्ट हैं जो धारा 60 में, जैसे खाने पीने की वस्तुएं, रहने के लिए टूल्स वगैरह, स्त्रियों के ऑर्नामेंट्स, कई चीजें बताई गई हैं धारा 60 में। तो पहले न्यायालय के समक्ष वो इस तरह का एक आवेदन देगा कि वो पॉपर है, निर्धन है, कोर्ट फीस पटाने की स्थिति में नहीं है। कोर्ट इस बारे में जांच करेगा कि ये वास्तव में इंडिजेंट पर्सन है कि नहीं, गरीब व्यक्ति है कि नहीं ऑर्डर 33 के अंतर्गत, और तब उसकी जांच पड़ताल होने के बाद यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि वास्तव में इंडिजेंट है, इंडिजेंट पर्सन है, दावा वाद चलाना चाहता है, तो उसकी जांच के बाद कोर्ट सेटिस्फाई होकर उसे ऐसी अनुमति दे सकती है। तो उसी तरह के कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन जब वो लिखेगा उसमें सारी बात लिखेगा, कौन कौन सी उसके पास प्रॉपर्टी है, सारे पर्टिकुलर जैसे सामान्य दावे में लिखे जाते हैं वो उसको लिखने होंगे, कितनी मूवेबल प्रॉपर्टी है, कितनी मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या उसकी लिस्ट है, क्या उसकी वैल्यू है, सिग्नेचर करेगा, वेरीफाई करेगा, जैसे सामान्य दावे में ऑर्डर 6 रूल 17 के अंतर्गत प्लेडिंग्स होती है, उसी तरह ये सारा सब करेगा और सपोर्टेड बाय एफिडेविट होगा। न्यायालय को लगता है कि वास्तव में ये इंडिजेंट पर्सन है तभी अनुमति देगा, अन्यथा वो रिजेक्ट भी कर सकता है। जैसे कई ग्राउंड्स हैं कि उसने सूट सही से ढंग से फ्रेम नहीं किया है, पहला, दूसरा, आवेदन देने के 2 माह के पहले उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने संबंधी गरीब बनकर जिससे वो दावा चला सके कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट टू सेल कर लिया है, तो उसका दावा रिजेक्ट किया जा सकता है, या वो वाद के खर्च अन्य व्यक्ति ऐसा कोई समझौता कर लेता है अन्य व्यक्ति करेगा, या वाद कानूनी तरीके से टाइम बार्ड है, तो इन आधारों पर उसका जो पॉपर सूट है ऑर्डर 33 के अंतर्गत वो कोर्ट रिजेक्ट भी कर सकता है। एक्सेप्ट करने के बाद भी अगर कोर्ट पाता है इंक्वायरी करने के बाद तो भी उसे रिजेक्ट किया जा सकता है, और न्यायालय उसको वकील दिला सकता है पॉपर के रूप में जिससे वो अपने मामले की सही ढंग से पैरवी कर सके। न्यायालय द्वारा दी गई इजाजत को अगर फिक्शियस पाया जाता है, पहले वो दावा उसने, या किसी तरह से वो संपत्ति थी उसके पास, उसने झूठा फैक्ट रखा है, तो वो कैंसिल किया जा सकता है कि वो कोर्ट फीस देने के लिए सक्षम था। तो ये न्यायालय के डिस्क्रिशन पर निर्भर करता है, और न्यायालय उसे कोर्ट फीस जमा करने का भी ऑर्डर दे सकता है। रिकवरी उससे कोर्ट फीस के रूप में की जा सकती है, गवर्नमेंट उसे प्लेंटिफ के रूप में जीतने के बाद भी उससे कोर्ट फीस वसूल करने का ऑर्डर दे सकती है। ऑर्डर रिजेक्ट करने पर ये ऑर्डर अपीलेबल होता है, अर्थात उसकी अपील की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति फिक्शियस या ज्यूरिस्टिक पर्सन के रूप में, चाहे वो कॉरपोरेशन हो या कंपनी हो, वो भी पॉपर के रूप में सूट फाइल कर सकती है। तो मैंने ऑर्डर 33 को सरल भाषा में, जिसमें पॉपर या निर्धन व्यक्ति कब दावा न्यायालय के समक्ष चला सकता है, इस संबंध में जानकारी दी। संक्षेप इसका यही है कि सबसे पहले न्यायालय इस बात की जांच करेगी कि वो व्यक्ति वास्तव में निर्धन व्यक्ति है कि नहीं, और उसे दावा चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि ये वास्तव में
पॉपर है, इसके पास कोर्ट फीस अदा करने की स्थिति में नहीं है, 1000 रुपए तक की उसकी संपत्ति नहीं है, धारा 60 सीपीसी के अंतर्गत जो प्रॉपर्टियां अटैच नहीं की जा सकती, खाने पीने के सामान से लेकर टूल्स वगैरह और इस तरह की जो संपत्ति है जो उसमें एक्सक्लूड की गई है, या न्यायालय सूट फाइल करने के पहले ऐसी जांच से संतुष्ट हो जाता है कि ये वास्तव में इंडिजेंट पर्सन है तो उसे वकील भी दिलाया जा सकता है, परमिशन दी जा सकती है, अगर वो फैक्ट्स कंसील करता है छुपाता है तो न्यायालय इस परमिशन को रद्द भी कर सकता है। अगर वो किसी तरह का कोई समझौता किसी व्यक्ति से कर लेता है, बदमाशी करता है, न्यायालय की को ये पता लग जाता है कि ये इस पे कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, लिमिटेशन भी नहीं है और ये छुपा रहा है, टाइम बार्ड है इसका, तो न्यायालय एक्सेप्ट किए हुए मामले को दावे को भी रिजेक्ट करके उससे कोर्ट फीस वसूल कर सकता है। मित्रों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, अपने मित्रों समाज के लोगों को भेजें। मैं आपका मित्र अत्यंत आपका आभारी हूं। जो भी सब्सक्राइबर हैं या जो लोग इस चैनल से जुड़ गए हैं वो सब उनका स्नेह मिल रहा है, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल से जुड़े रहिए। जो भी व्यक्ति कॉम्पिटेंट कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं या लीगल कोई फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं, लॉ कर रहे हैं या किसी लॉ फर्म में हैं, छोटी छोटी जानकारियों के द्वारा मैं आपकी लीगल अवेयरनेस को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। और जितना ज्यादा आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे, वीडियोस को देखेंगे, हेडफोन ले लीजिए, वीडियो को ध्यान से सुने, एक बार नहीं बार बार सुने, तो निश्चित तौर पर आपकी कानूनी जानकारी बढ़ेगी, ऐसी मेरी मान्यता है और ऐसा मैं मानता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।